ग्राहकों के भरोसे चलता बैंक खुद अपनी साख पर बट्टा लगा रहा है। असिस्टेंट मैनेजर ने बैंक और ग्राहकों के साथ किया करोड़ों का घोटाला। रीवा के जय स्तंभ चौराहे के पास एक बैंक द्वारा ग्राहकों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वाहनों की एनओसी के नाम पर किया गया है बड़ा फर्जीवाड़ा। लोन क्लोज होने के बाद भी खातों से कटती रही किश्त, पुलिस में फरियादियों ने दर्ज कराई शिकायत। यह मामला लगातार बैंक की शाखा पर सवाल खड़े कर रहा है। इस मामले को लेकर तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने रीवा एसपी राकेश सिंह के पास शिकायत करी है। ग्राहकों का कहना है कि कूटरचित दस्तावेजों द्वारा वाहनों की एनओसी उन्हें दी गई, लेकिन ग्राहकों द्वारा जमा राशि किस्त में समायोजित नहीं की गई। शिकायतकर्ता राजन वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 409, 467 और 468 के तहत निजी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर राजेश यादव सहित अन्य संलिप्त कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया है। वहीं रीवा पुलिस कप्तान राकेश सिंह का कहना है कि इसी तरह की शिकायत लेकर कुछ और लोग भी आए थे। उन्हें आश्वस्त किया है, इस मामले को लेकर एसपी से मिलने के बाद ग्राहक सिविल लाइन थाने पहुँचे और शिकायत दर्ज कराई। इस बैंक के खिलाफ करोड़ों का घोटाला सामने आ रहा है। कई ग्राहकों का कहना है कि जिन्होंने अपना लोन अदा कर दिया है, इसके बावजूद भी उनके खाते से राशि कट रही है। ग्राहकों को आश्वस्त कर दिया गया है कि उनका लोन पूर्ण हो गया है, मगर बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी एनओसी जारी कर उन्हें गुमराह किया जाता रहा है। इस पर सबसे पहले राजन वर्मा बैंक में ग्राहक में थाने जाकर इस बाबत जानकारी देते हुए असिस्टेंट मैनेजर राजेश यादव के खिलाफ सिविल में प्रकरण पंजीबद्ध कराया, जिसके बाद ऐसे ग्राहकों की भीड़ बढ़ती ही गई। इसके बहुतायत ग्राहकों ने बैंक से लोन लिया है और राशि जमा कर दी है, मगर बैंक कर्मचारियों की धोखाधड़ी से इनके अकाउंट से किश्त भी कट रही है। बैंक की शाख पर उठते सवालों को प्रमुखता से लेते हुए जबलपुर टीम बैंक पहुंची, जहां बैंक ऐसे तमाम ग्राहकों से भरा हुआ है और शिकायत दर्ज है। शिकायतों का अंबार लग रहा है। जल्द ही बैंक विभाग की टीम ने निरीक्षण के बाद इस घोटाले की परतें सामने होगी। सवाल यह उठता है कि जहां जनता बैंकों पर आंख बंद करके भरोसा करती है, वहीं कुछ कर्मचारी अपने स्वार्थ के लिए भरोसेमंद संस्थान को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते हैं। अब ये उनकी इंटरनल प्रक्रिया है जिसके तहत वो जांच कर रहे हैं। आपराधिक प्रक्रिया के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं और वो इंटरनल प्रक्रिया के तहत यदि ग्राहकों का हित रक्षण करते हैं तो अच्छी बात है, वरना उनके जो पीड़ित ग्राहक हैं उनके लिए पुलिस के दरवाजे खुले हुए हैं, पुलिस उनकी हर तरीके से मदद करेगी। अभी तक इस प्रकार का कोई आवेदन कोई पत्र है? नहीं, अपने पास आवेदन है। जिस प्रकार से ठगी हुई है, सभी एक प्रकार की ठगी है, उसको हम जो है जो पंजीबद्ध अपराधों में उनके आवेदनों को शामिल करेंगे और उनके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि आईसीआईसीआई बोर्ड जो है, बैंक जो है, ऐसे लोगों के हित रक्षण के लिए क्या कार्य कर रहा है। कौन से बैंक के ऊपर? नहीं, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर वही कर्मचारी के ऊपर दर्ज हुआ है, बैंक के ऊपर नहीं होता है। बैंक के व्यक्ति दोष ही होता है। सिस्टम है, सिस्टम में व्यक्ति अपराध करता है, व्यक्ति के खिलाफ होता है, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। फर्जी एनओसी लेके क्या मुद्दा है? आईसीआईसीआई बैंक में मेरा खाता है और वहाँ से मैंने गाड़ी फाइनेंस कराई थी, टाटा सफारी। तो 3.5 साल कुछ महीने करीब हो रहा है, 3 साल कुछ महीने हमने सोचा कि गाड़ी को क्लोज कर दें, हमसे सिर्फ ब्याज लग रहा है। तो मैं बैंक गया तो हमको पता चल बताए वहाँ के कर्मचारी कि यहाँ का जो फाइनेंस है राजेश यादव देखते हैं। मैंने उनसे मिला, मैं उनसे, उन्होंने हिसाब किताब लगा कर बताया कि आपका अभी 7,60,000 रुपये निकलता है, तो इसकी अमाउंट की व्यवस्था कर दीजिए तो मैं आपका क्लोज कर दूँगा। तो हमने कहा ठीक है, 7,60,000 मैंने उनको दिया। तो उन्होंने कहा कि सर, इस बीच वो हमसे पर्चे पूछने निकालने लगे और पर्चे में एक दूसरे दो तीन लोगों का नाम बताया। मैंने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ इन्हें। उन्होंने कहा कि आप तो घर के सदस्य हो गए सर, ऐसा करते हैं आपको मैं कुछ छूट दिला देता हूँ। तो हमने कहा दिला दीजिए छूट। उन्होंने कहा कि ब्याज में आपको छूट मिल जाएगी, जो आपका नेसेसरी ब्याज लगा है। और मैं उनको विश्वास पे आ गया और पैसा दे दिया और
उस पैसे को इन्होंने जमा नहीं किया, गाड़ी की किस्त जो है बनी रही आती, मतलब हमारे खाते में पैसा आए कट जाए आए कट जाए, तो ये सब प्रोसीजर चलता रहा। फिर इस बीच हमारे को फ़ोन आया हमको पुणे से, तो मैंने कहा कि कि आपकी गाड़ी की किस्त बाकी है सर, तो मैंने कहा कि नहीं गाड़ी तो हमने क्लोजिंग कर दी है पूरी। फिर मैं बैंक गया तो बैंक में बोले कि अभी सर्वर डाउन है। फिर मैं गया बैंक, फिर फ़ोन आया तो वो कहे कि फाल्स कॉल आते हैं आप उनको डांट दीजिएगा, वो सब कंप्यूटर बोलता है। हमने कहा नहीं, हमारी बात उनकी डिटेल में होती है। और जब उनसे मैं बैंक जाऊं तो वो बैंक मैनेजर की कुर्सी में बैठते थे, बैंक मैनेजर जब भी मैं गया हूं तो बैंक मैनेजर की कुर्सी पे ही उसे पाया। तो मैं उसको बताया कि मैं बैंक मैनेजर हो चुका हूं अब, और बार बार निवेदन किया, हमने कहा कि हमको गाड़ी की एनओसी दे दीजिए, तो हमको गाड़ी की एनओसी दे दिए और कहे कि आप आरटीओ में चले जाइए, मेरा आदमी है और आप सबका सब करा देगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास हैं एकदम परिचित कि मैं उनसे कराऊंगा अपना गाड़ी का काम। इस बीच फिर हमको फ़ोन आया भोपाल से, मेरी लिमिट थी 6 लाख की, तो मैंने कहा कि आपकी लिमिट से पैसा उठा हुआ है। उसके पहले राजेश यादव हमारे पास आया, बोला कि आप लिमिट का पैसा इस्तेमाल नहीं करते हैं सर, और आपकी लिमिट बढ़ गई है कुछ, आप ऐसा करिए कि लिमिट को क्लोज कर दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है, तो आया हमसे, अब मैं गाड़ी स्टार्ट थी, मैं जा रहा था एक जगह काम से, तो उसने मुझसे 755 का चेक लिया, कहा लिमिट बढ़ गई। हम कहे कि नहीं यार, उसको देख लेना, क्योंकि बैंक का कर्मचारी था, बैंक के ऊपर आदमी विश्वास करता है, ICICI बैंक एक प्रतिष्ठित बैंक है। तो मैंने सोचा कि वहाँ के कर्मचारी ऐसे, कभी मन में किसी का ख्याल नहीं आता कि ऐसा भी होता है किसी के साथ। इस बीच वो हमसे ले गए पैसा, और वो हमारे लिमिट से पैसा, जब हमको फ़ोन आया भोपाल से, मैं जब गया कि 3,00,000 हमारा बता रही है भोपाल वाले, फिर मैं गया बैंक, फिर बोल दिया सर्वर डाउन है सर, आपका लिमिट का पैसा नहीं उठा। वहाँ के जो और कर्मचारी, मैंने उनसे निवेदन किया कि सर देख लीजिए, हमको हमारे खाते में कुछ ना कुछ लफड़ा कर रहे हैं, चल रहा है, हमें शंका है, क्योंकि बार बार आपके हेड ऑफिस से फ़ोन आता है। तो वहाँ के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि आप राजेश यादव जी से मिल लीजिए। मैं मिला उनसे, फिर वो हमको एक एनओसी देते हैं, हमारे पास टोटल उन्होंने हमको 3 एनओसी दी। और उसके बाद जब मैंने अपने जो हमारे एक मित्र हैं, मैंने कहा देखो यार इसमें क्या स्टेटमेंट में लफड़ा है, और जब देखे एनओसी तो बोले कि ये तो एनओसी टोटल हमको गड़बड़ नज़र आ रही है। तो उसके बाद फिर मैं गया शनिवार को, हमने कहा कि हमारा सब कुछ आप कंप्लीट करके दिखाइए सर कि कहाँ क्या है हमारा गाड़ी क्लोजिंग। वहाँ एक गुप्ता सर बैठते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, आपके लिमिट से भी पैसा उठा हुआ है, आपकी गाड़ी क्लोज नहीं है, और कंप्यूटर बता रहा कि अभी आप। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से प्रतीक मैत्रे की रिपोर्ट।